आपको पता ही नहीं कौन सा अवार्ड मिला, इनको पता ही नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिला। काफ़ी भारी है। गौरव गहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं, मैं पूछ कर आती हूँ। लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है, ऐसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे। लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था ना मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। अच्छा, ये मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफ़र होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है जो जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कॉल माई एजेंट का सीजन 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट। एंड कुछ पक रहा है तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन अनदर जॉनर लाइक कॉमेडी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा हुआ कुछ कॉमेडी में। हाँ, मतलब कॉमेडी की असली पहचान इनको कॉमेडी शोज करके मिली है ज़्यादा करके, राइट फ्रॉम बचाओ टू कपिल एंड टू सो मैनी शोज लाइक ऑन सब टीवी। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे विकास कलंत्री ने बोला कि यू हैव टू कम, यू गाइस हैव टू कम, आज कुछ स्पेशल है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज स्पेशल दिन है तो हम आते हैं, और हम आ गए। वेरी हैप्पी। बहुत कुछ है, मतलब ये पहली बार उसने कॉमेडी अवार्ड जो है गोल्ड ने स्टार्ट किया है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ज़्यादा फन फील्ड होने वाला है, एंटरटेनिंग होने वाला है इवनिंग। मैं अपने पेरेंट्स को भी ले आई हूँ, जनरली बेबी को और फैमिली को कहीं लेके नहीं जाती हूँ, फर्स्ट टाइम बेबी को भी लेके आई हूँ। सो या वी आर एक्साइटेड। ये बहुत ही कॉमेडी। हाँ, मैं एक्चुअली इनहेरेंट ही मेरे में वो कॉमेडी वाली चीज़ है, बट आज तक मैंने ज़्यादा करके सीरियस रोल्स किए। ऑफ स्क्रीन ये ज़्यादा ऑफ स्क्रीन हाँ मैं ज़्यादा करता हूँ। हाँ हाँ, ऑन स्क्रीन मैंने ज़्यादा की हुई है। राइट, ऑन स्क्रीन ज़्यादा ऐसे किया है। मैंने बीवी के सामने मैं कॉमेडी ही करता हूँ, मैं अगर अभी सीरियस भी हूँ मैं कुछ बोल दिया तो ये मुझे फनी वे में ही लेगी, इसको लगता है मैं हमेशा सरकास्म में ही बोलता हूँ। बट यस, आई एम वेरी फनी, जो कि बट इनका स्क्रीन पे दिख के आता है, और मैं ऑफ स्क्रीन फनियर ज़्यादा। काफ़ी कॉमेडी शोज किए हैं तो मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बट या एज आई सेड ऑन स्क्रीन इनकी ज़्यादा कॉमेडी होती है। हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा किसको दें हमारा क्रिसमस में, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो बच्चे के साथ थोड़ा भी डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत छोटा है वो। बट नहीं, हमारा हर फेस्टिवल सिर्फ उसी के साथ होता है, या क्रिसमस बोलो, न्यू ईयर्स बोलो, होली बोलो, दिवाली बोलो। सो हाँ, जैसे साल पिछले साल किया था वही कुछ करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा वापस से ओमिक्रॉन अब आ चुका है तो इसलिए नाउ वी आर बीइंग सेफ, हम घर पे ही रहेंगे। बट एक इवेंट है उसके लिए हम जाएंगे, उसमें भी सेफ्टी पूरी बनाए रखेंगे, सो वही घर पे करेंगे, कुछ फ्रेंड्स को बुलाएंगे और न्यू ईयर्स भी। कोशिश करते हैं अब जो भी फेस्टिवल हो या जो भी सेलिब्रेशन हो बेबी के साथ ही सेलिब्रेट किया जाए। Thank you so much. Thank you. Happy New Year and Merry Christmas. Merry Christmas to you all. मैं ये करके नहीं आया था। आप जा रहे हो ऊपर? 80? 18th. क्यों? नहीं नहीं, मेरे को बर्थडे पे जाना है। कीर्ति का बर्थडे? कीर्ति हाँ जी। थैंक यू। मैं बीच में निकालता ना, आगे रख दूँ? मिमिक मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला? मुझे दोनों चाहिए थे, फीमेल भी मिलना चाहिए ना, छुटकी
निर्भर रॉय मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लता जी भी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ भाई। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वैसे फीलिंग यार, फीलिंग भी बड़ी सही होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन, तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट। ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो, सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है। कहते तो हैं लोग, सी लोग बोलते हैं कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बट कॉमेडी इज फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली आई एम एक्साइटेड टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक, सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद ही तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पहला सोशल, मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। पूरा कम टुगेदर, आइए ना, आप भी आइए। मैं मेरे फोन में देख लो ना। हाँ ले लो। कैन यू टेक अ पिक्चर फॉर मी इफ यू डोंट माइंड? मेरे को ले सकते हो? हाँ। नो, आई वांट टू प्रोनाउंस इट आउट फर्स्ट, टेक बट द लाइटिंग विल बी क्लियर। देखिए, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ गोल्ड अवार्ड्स में, एंड आई एम रियली क्वाइट एक्साइटेड। और मैंने शुभांगी से और मिसेस कोहली से बहुत सुना था इस अवार्ड के बारे में, तो यूजुअली मैं जाता नहीं अवार्ड्स में, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फ्यू अवार्ड्स आई गो टू, सो आई जस्ट कम। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कॉमेडी को हमेशा एक छोटा सा सेक्शन दे के यू नो निपटा दिया जाता था, लेकिन गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स हैं तो इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है। बिकॉज सी, पिछले 2 सालों में लोगों की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस था कोविड की वजह से, लोग परेशान थे, और आई थिंक हमारे शो ने लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सुकून दिया, चेहरों पे मुस्कान दी, तो मुझे लगता है कि ये स्पेशल जो गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स जो शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और विकास इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कॉमेडी करना कितना इजी होता है आपको, बताइए। हम सब शैतान हैं एक्चुअली, कहीं ना कहीं आई थिंक इसलिए आसान है। और अब इतने साल हो गए हैं, और खैर मेरे साथ तो दो धुरंधर हैं, आसिफ जी और रोहित जी दोनों ही, इन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। और बाकी हम सब के अंदर काफ़ी शैतानी कीड़े हैं, तो इस वजह से चल रहा है। कॉमेडी का एक एपिसोड एक्चुअली सोप के 5 एपिसोड के बराबर है। अगर लास्ट वीक आपने TV पे देखा होगा, बड़े बड़े सोप के प्रोड्यूसर्स भी यही बोले हैं कि कॉमेडी का एक एपिसोड सोप के 5 एपिसोड के बराबर। और कॉमेडी को होल्ड करना बहुत मुश्किल बात है, और 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना, 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना एक बहुत 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 बड़ी बात है। ये योगेश जी है जो भाभी जी में है, और जो चारुल जी नहीं ज्वाइन की है, पर आसिफ भाई, रोहितास जी, शिवांगी जी जो D1 से है, उन्होंने कैरेक्टर को इतने साल से, और क्रिएटिव टीम ने, चैनल ने, सब ने
इसको इतने साल से होल्ड किया, इट्स अ वेरी स्पेशल बेबी फ्रॉम गॉड. और हमारी प्रोड्यूसर ने जिन्होंने सबको क्रिएटिव फ्रीडम दी हुई है, लाइक हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं. सो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू जी. जी सर. अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, और गोल्ड कॉमेडी अवार्ड मिला है, और डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है. मैंने कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की लोगों को हंसाने की. मैं तो अपना म्यूज़िक करता रहता हूँ, साउंड के साथ खेलता रहता हूँ, लेकिन वो लोगों को एंटरटेनिंग लगा और उसमें थोड़ा हंसी आई लोगों को, तो अच्छा लगता है. ये पता नहीं यार, मैं वही देख रहा था अंदर बात की बहुत हैवी है. हाँ जी जी. एक्चुअली मैं जैसे बोला कि मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना करता रहता हूँ, उसमें लोगों को हंसी आ जाती है. और मुझे लगता है कि हंसाना, रुलाना, काम करना, सवाल पूछना, ये कैमरा ऑपरेट करना, ये माइक लगाना, हर काम मुश्किल होता है. हर काम का अपना अपना तरीका होता है, तो हर काम आसानी से ख़राब भी किया जाता है, आसानी से अच्छा भी किया जा सकता है. तो हर काम मुश्किल है, वैसे ही कॉमेडी भी मुश्किल है. बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत आसानी से करते हैं, वो तो उनको देख के सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा. ट्रैक्स बना रहा हूँ, और ऐसे ट्रैक्स बना रहा हूँ जिसपे लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ट्रैक्स पे लोग नाचते हैं, शादी वादी में यूज़ करते हैं, तो मैं वैसे टाइप के थोड़े बना रहा हूँ कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे लोग थोड़ा नाच सकें. थैंक यू. एक्चुअली मुझे अवार्ड्स नहीं मिले हैं तो ये आप बोल सकते हैं टेक्निकली मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो कुछ अलग लेवल की खुशी है. मैं इतना बकबक करती हूँ, पर स्टेज पे मेरी बोलती बंद हो गई और मैं लिटरली स्टैमर करने लग गई, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. एंड बस घर जाके डैड को दिखाना है, उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ. बस घर जाके दिखाऊँगी तो और अच्छा लगेगा. थैंक यू कि कॉमेडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और दो साल में बहुत सारे कॉमेडियंस ने बहुत मेहनत की है लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, तो उस चीज़ को सराहा गया है यहाँ पर, आपने अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. जी 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 हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं मिमिक्री करती हूँ, और वो एक चीज़ है जो मेरी क्लिक हो गई है. स्टार्टिंग से मैंने आशा जी की मिमिक्री की है, आजकल फरा जी की मिमिक्री करती हूँ, श्रीदेवी जी की, और बहुत सारी आवाज़ें मैंने निकाली, सोनम कपूर, कंगना रनौत, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस की मिमिक्री मैं करती हूँ. और ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है, और बहुत नेचुरली मैं कर पा रही हूँ. मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मिमिक्री बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है. तो मुझे खुशी हो रही है कि इस मिमिक्री की एक कैटेगरी इन्होंने रखी, और मुझे इस चीज़ के लिए इन्होंने ऑनर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. आज मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे मिला है. बट डेफिनेटली एक शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी मिमिक्री करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो है आशा भोसले जी. और मुझे शायद पता है कि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने पसंद किया है. लता जी ने भी देखे हैं मेरे वीडियोस, तो उन्होंने पसंद किया है. तो ये सारे आर्टिस्ट को मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगी कि दे आर अ सपोर्ट, कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और किसे कोई बुरा नहीं माना, सब खुश हुए और उनको उन्होंने पसंद किया. सो आने वाले दिनों में, अभी आप मुझे कपिल शर्मा शो पर देख रहे हैं, बिकॉज टीवी पर अगर आप जानते हैं, आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो, तो उस शो पर आप मुझे देख रहे हैं. मैंने एक आध एपिसोड अभी शूट किए हैं,
तो आप मुझे अलग अलग अंदाज में देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे। अभी आशा जी वाला एपिसोड इस हफ्ते आने वाला है बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आगे भी बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स में आप मुझे देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गोल्ड मिला है सर आपको? हाँ, नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का और विकास का कि मेट्रो पार्क जैसे शो को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेट्रो पार्क एक इंडिपेंडेंट शो था पहले, जिसको ऑफकोर्स इरोस ने अक्वायर किया, और मुझे यही लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है। यू नो, सीज़न वन बनाया हमने इंडिपेंडेंटली, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हमको मिनी एपिसोड्स बनाने पड़े 1.5, बड़ी मुश्किल से हमने सीज़न टू बनाया। सीज़न टू को भी अब गोल्ड ने सेकंड टाइम अवार्ड दिया है, बट जो मेट्रो पार्क की जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है सीज़न थ्री पे। लेट्स होप कि सीज़न थ्री बने। बट मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का, और ऑन बिहाफ ऑफ अभी वर्गीस, अजय, वेणुगोपालन, जीजू जॉन जो कि शो के निर्देशक और निर्माता हैं, मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड दे जा रहा हूँ, और उनके लिए है ये अवार्ड, सबकी मेहनत का ये फल है। एंड थैंक यू गोल्ड अवार्ड्स फॉर दिस। देखिए, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, OTT पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मिल रही हैं, जिस तरह की मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से चाहता था। But you know, so I'm very happy, in a happy place, and I'm quite glad with all the opportunities जो मुझे OTT दे रहा है। I think it's an amazing platform, very democratic platform, जहाँ पे you know, ये नहीं है कि बड़े players छोटे players को निकाल दे रहे हैं, सबको अपनी अपनी जगह है, audience decide करती है क्या देखना है क्या नहीं देखना है। So I am very grateful for OTT, and again I am grateful for getting this. Continue भी आप करते रहेंगे और comedy आने वाले दिनों में? बिल्कुल, comedy तो देखिए मेरे जो roots हैं वो तो comedy में ही हैं। अब मुझे काफ़ी अच्छे dramatic roles भी मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है, because कोई भी actor चाहेगा कि उनको अलग अलग opportunities मिलें, अलग तरह के जॉनरस, अलग अलग तरह की स्टोरीज, अलग रोल्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। बट कॉमेडी रिमेन्स मेरा जो आप कह सकते हैं स्टेपल। सो हालांकि पिछले 3 क्वेश्चंस में तो मैंने आपको बहुत बोर किया है ना, बिल्कुल एक जोक नहीं मारा मैंने, सॉरी। वेल, आई मीन देर आर मेनी कॉमेडियंस इन नॉट ज़्यादा तो यू नो इवन इन इंडियन सिनेमा इफ़ यू सी महमूद साहब, यू नो किशोर कुमार जी, सो आई मीन देर आर मैनी हीरोज फॉर कॉमेडी इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, बट बाहर के भी बहुत हैं। यू नो देर आर मैनी पीपल जिनका काम मैं देख कर पला बड़ा हूँ, who have inspired. है सर, है, वो दबता नहीं है, वो ऐसा है कि वो दबता नहीं है, वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फिल्म लगी है 420 IPC Z5 पर, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो उनको मुझे और विनी को कहना पड़ गया था कि प्लीज़ सेट पे तुम लोग मजाक ना करो, मेरी सीरियस फिल्म है। सो वो दबता नहीं है, निकल कर आता। क्रिसमस मैं और मेरा बेटा हम लोग गोवा में होंगे, हर साल जाते हैं हम लोग दिवाली या क्रिसमस पे, और न्यू ईयर के लिए मेरा भाई और उनकी फैमिली US से आए हुए हैं, तो उनके साथ बिताएंगे। सो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। 18th क्यों? खाना नहीं, मेरे को बर्थडे पे जाना है। कीर्ति का बर्थडे? कीर्ति हाँ जी, थोड़ा सा दिखाइए।
थैंक यू. मैं बीच में निकालता ना, आगे रख दूं. मिमिक मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला, मुझे दोनों चाहिए थे. फीमेल भी मिलना चाहिए ना, छुटकी निर्भर होए. मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं. धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. और लता जी भी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ. भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ. तो वैसे फीलिंग यार, फीलिंग भी बड़ी सही होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन. तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट, ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो. सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है. कहते तो हैं लोग, सी लोग बोलते हैं कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ़ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम. बट कॉमेडी इज फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर. सो होपफुली आई विल, आई एम एक्साइटेड टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड. आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक. सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है. उम्मीदें तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. पहला सोशल, मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी. थैंक यू सो मच. ठीक है, गौरव गहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं, मैं पूछ कर आती हूँ. लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है, जैसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे. लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था ना मुझे अवार्ड मिला था. और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है. एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो. मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफर होता है. बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफर हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है, जो जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ. अगर कॉल माई एजेंट का सीजन 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट. एंड कुछ पक रहा है, तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा. अगेन अनदर जॉनर लाइक कॉमेडी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है. और ये गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स का पहला साल है और कॉमेडी जॉनर को सराहा जा रहा है, तो इस अवार्ड को अपने हाथ में मतलब ऐसे लेते हुए बहुत खुशी हो रही है. मुझे बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल कॉमेडी के लिए ये अवार्ड आज मिला है. और आपके ज़रिए हमारे सारे दर्शकों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों का प्यार नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता. बहुत ज़्यादा, मतलब रियल गोल्ड से भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ. और आई रियली वांट टू थैंक विकास कलंदरी जी, गोल्ड अवार्ड्स, एंड हमारे प्रोड्यूसर्स यासिफ मोदी, नीला फिल्म प्रोडक्शंस, एंड द एंटायर टीम, द कास्ट एंड क्रू ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एंड अबव ऑल गॉड एंड माई फैमिली, यानी कि श्याम पाठक की फैमिली, माई वाइफ, माई किड्स एंड एवरीबडी, जो मतलब हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे.
और जिनकी प्यार और यू नो शिद्दत की वजह से ही शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे लिए तो 24 कैरेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है का ये अवार्ड है और बहुत अपने दिल के करीब है, ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अपने घर में संजो के रखूँगा, अपने दिल में संजो के रखूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, ये सेकंड अवार्ड फंक्शन है जो इस मंथ पे मैंने अटेंड किया, मैं इतनी खुश हूँ ना, बिकॉज दो सालों से हमने लोगों के चेहरे उनकी आवाज़ें नहीं सुनी हैं, सो दिस होल फीलिंग ऑफ बीइंग अमंग्स पीपल फील सो गुड, आई एम रियली रियली एक्साइटेड। सो क्रिसमस सीजन है एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिसंबर में एक ना एक बार एक रेड और एक ग्रीन आउटफिट जरूर पहन लूँ, बिकॉज यू नो दैट्स माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, इट मेक्स मी फील वेरी नाइस एंड फेस्टिव। सो ऑफकोर्स मेरी फ्रेंड है नीतू जिसका ये ड्रेस है एंड शी स्टाइल्ड मी फॉर दिस नाइट, सो हियर आई एम। ओके, कॉमेडी करना आई बिलीव सबसे टफ जॉनर है, लोग बोलते हैं कि यू नो एक्शन करना जैसे कि मैं कर रही थी अभी अपने शो में या यू नो इमोशनल होना ये टफ होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज एक्शन सीखा जा सकता है, इमोशन आप यू नो डेवलप कर सकते हो, बट कॉमेडी इज़ अबाउट टाइमिंग, आपके पास वो टैलेंट या तो है या नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विकास ने यू नो ये शुरू किया है जहाँ पर कॉमेडियंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, इट वॉज मच नीडेड एंड इट्स आई एम ग्लैड दैट ही इज़ डूइंग। ये बहुत कैरेट का है और इस पर कोई रेट नहीं लग सकता है, ये अनमोल है मेरे ख्याल से, गोल्ड मिला है पर हमारी चांदी हो गई। बेस्ट एंकर मामा जी 2021। ये जो प्यार मिलता है ना, और कोई अभी मैं गौरव सर थे मेरे पास, गौरव गेरा, तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरा एक मन था कि जैसे मैं कोई अपने फेवरेट एक्टर को देखता तो मैं स्माइल कर देता पता नहीं क्यों, और ऐसा लगता था कि मैं जानता हूँ इनको जबकि कहाँ मिले थे, तो मुझे देख के कोई स्माइल कर देता है या फिर शायरी कोई सुना देता है कि यार वो पापा वाली बहुत अच्छी थी या मजदूर वाली अच्छी थी, मेरे को वही कमाई सबसे बड़ी लगती है, वो बहुत बड़ी कमाई है, तो वो मिलता रहे वही चाहिए। मुझे किसको देख के हंसी आती है इन दिनों, परसों मिरर देखा तो हंसी आई थी थोड़ी सी, हाँ फिर मैं कपड़ा पहन के आया। जय हिंद भाइयों। साथ में करते हैं, आ जाओ जाओ, थोड़ा लाइट में होना सर, किसी को दे दो पहले पार्टी पे आओ। ये जिम में बिजी रहती है फैंस यही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है, हमने किया है अपनी मेहनत से और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बता दूंगी कि 100 मिनट में बच्चा हो रहा है, 50,000 जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था लेकिन आप खुद ही छाप छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी है इनसे रहेगी कर रही हूँ, मैं एक शो कर रही हूँ नरबाज जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ, ये सब ना होता है कि ऐसे मत कर ऐसे मत बैठी हो, ये सब यहाँ है सब, आप यहाँ करो भाई, बहुत दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा, मैं बहुत फिट हूँ। बिल्कुल, लड़की क्यों क्यों जैसी है आप जैसा नहीं जो लड़की को रोके भारती जी पीछे चप्पल पहनी हुई मैंने नीचे से, अरे कोई तो दादा दादा की मेरी कलर्स की हुनर बाज में मिलेंगे नूपुर। हां ठीक है, आमिर भाई थोड़ा बहुत अच्छे क्या लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप भी बाद में चल।
कोई गलती कर ली बच्चों ने वाला अरे नहीं नहीं बहुत खुशी हो रही है वेरी गुड इन फैक्ट लेकिन एविडेंस जैसा हमने मामा बन रहे जैसे हमने कहा था इंस्टेंट बॉलीवुड वाले बड़े मामा को बहुत सोहेल मामू थैंक यू सो मच बाय गाइस बाय बाय